क्या कहेंगे आसिफ भाई, जिस तरह से देखा जाए महानगर पालिका को आपने कुछ दिनों पहले एक पत्र दिया था, उसमें चेतावनी दी थी कि महानगर पालिका अगर भिवंडी शहर की स्वच्छता को लेकर ध्यान नहीं देती है, यानी कचरा कुंडी, जिस तरह से शहर में देखा जाए तो संख्या ज्यादा हो चुकी है, इसके कारण कई बीमारियां भी फैल रही है, और आपने चेतावनी दी थी कि महानगर पालिका अगर इस पे स्वच्छता के ऊपर कदम नहीं उठाती है तो आप उसके प्रांगण में कचरा फेंको आंदोलन करने वाले हैं। आज देखा जाए तो 10 दिन हो गए अभी तक इस पे, मतलब क्या कोई निर्णय नहीं लिया मैं आपने? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ कि मैंने पहला पत्र अपना जो 1/12/2021 को दिया था, उस पर मैंने बताया था कि शहर के अंदर जो है सफाई का जो है ध्यान में न रखते हुए कचरा यहाँ वहाँ बहुत पड़ा, हमारे शहर के हालात बद से बदतर है। उसके बाद मैंने 19 तारीख को दूसरा पत्र दिया जिसमें उनको आंदोलन की चेतावनी दिया। उस आंदोलन की चेतावनी में आज 10 से 12 दिन का एक वक्फा गुजरा है, लेकिन उसके अंदर जो है 2 से 3 दिन की छुट्टियाँ आई। मैंने 20 के दौरान जो है अपना अधिकारियों से बात किया और उनको बोला कि कचरा मतलब उठाने का काम, उन्होंने बोला कि कचरा उठाने का काम हमारा चालू है, लेकिन जो है अभी कुछ दिन पहले देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये कचरा कुंडी मुक्त अभियान, कचरा कुंडी बंद मुक्त अभियान ये लोग चला रहे भिवंडी महानगर पालिका की तरफ से। मैं बताना चाहूँगा कि आज शहर की हालात जो है बद से बदतर है। एक जो मूलभूत सुविधा में हमारा ये चीज़ें आती है कि साफ़ सफाई होना शहर के अंदर ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मनपा इसके अंदर जो है फेल होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे हमको जो है बोर्ड पे दिखते हैं, अखबारों में दिखते हैं, दीवारों पे दिखते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पे जो हम चेक करते हैं तो इसमें मनपा हमको पूरी तरीके से जीरो नजर आ रही है। हम देखा जा रहा है कि जब हमारी मीटिंग हुई तो हमको एडिशनल कमिश्नर साहब ने आश्वासित किया कि हम पूरे शहर से जो है जल्द से जल्द ये मामला करेंगे। 20 में कुछ अधिकारियों का मुझे कॉल आया, मुझे पूछा जा रहा था कि सर कचरा किधर है। मैं उनको बोलना चाहूँगा महानगर पालिका आपको पेमेंट देती है, महानगर पालिका आपको वहाँ पे काम पे रखी है, आपको जॉब पे रखी है, तो आपका काम बनता है कि किस तरीके से आप अपने जॉब को निभा रहे हो। अगर शहर के अंदर मुझे कचरा कहीं भी देखने को मिला तो मैं अपने अभियान के अंतर्गत महानगर पालिका के विरुद्ध कचरा फेंको आंदोलन करना शुरू करूंगा मैं, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ कुछ वार्डों से फोन आ रहे हैं, मुझे बोला जा रहा है कि आज भी मतलब हफ्ते भर से पड़े हुए कचरे वहाँ पे पड़े हुए हैं। लेकिन इसको देखते हुए मैं थर्सडे, जुमेरात के दिन, गुरुवार के दिन 3 बजे मनपा के विरुद्ध में कचरा फेंको आंदोलन करने वाला हूँ। सालों से पड़ी जो है महानगर पालिका में घंटा गाड़ी, ये क्यों नहीं उसको रोड पर लेकर के आ रहे, जो कि देखा जा रहा है कि जो सड़ी बुझी गाड़ी जो है जिसका मतलब देखता हूँ कि लाइफ लाइन खत्म हो चुका है, ऐसी गाड़ियों को कचरा उठाने का काम जो चालू कर रहे हैं, उसमें जो है कहीं ना कहीं होल है, कहीं गाड़ी टूटी हुई है, उसमें से कचरा लीकेज होकर के रोड भी गिरता है, रास्ते भी गिरता है, जिसके कहीं ना कहीं देखते हुए हमको ये समझ में आ रहा है कि एक्सीडेंट होने के तो चांसेस ज्यादा आपके है। बोलने का मतलब आसिफ भाई, कुछ लोग मतलब करप्शन कर रहे हैं इसमें, ठेकेदारी कर रहे हैं। 100% बगैर करप्शन के जो है चीजें क्यों खड़ी किया गया है। आपने जब जो है घंटा गाड़ी मंगाई है शहर के जो है स्वच्छता को देखते हुए, तो घंटा गाड़ी को आप लोगों ने ऐसा क्यों खड़ा किया है, और गाड़ी जो है सड़ाया क्यों जा रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है उसको जो। ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि महानगर पालिका में एक तो चीज़ होती नहीं है, और जब होती है तो उसको जो है पब्लिक के यूज़ के लिए क्यों नहीं लेकर के आया जा रहा है। देखा जाए जिस तरह से आपने स्वच्छता का मुहिम उठाया है, भिवंडी शहर में और भी बहुत सी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता वंचित है, उनकी बहुत सी समस्या है, उसके ऊपर क्या आपने उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है? नहीं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले जो है जब नाला गटर का जब मामला चालू हुआ था बारिश के टाइम पे, तो भी मैंने जन आक्रोश आंदोलन किया था, आरिफ बटन का मैटर उठा करके आज आरिफ बटन का काम चालू हो चुका है। उसके बाद आज जो देखा जा रहा है शहर के अंदर जो कचरा का जो मामला था, क्योंकि कुछ कुछ एरिया ऐसा है जो वहाँ पे टाइम टू टाइम कचरा उठता है, और कुछ कुछ एरिया ऐसा है जो गरीबी बस्ती है जहाँ पे जो है आम जनता जो है एकदम गरीब है, वहाँ के लोगों को देखता हूँ कि मतलब क्या उनकी जिंदगी है कुछ एहसास नहीं है, उनको जो बीमारियों में ढकेल दिया जाता है, क्यों ऐसा मनपा अधिकारी मतलब जो कर रहे हैं उनके साथ। और मेरा जो ये मुहिम है सिर्फ कचरा को लेकर के नहीं है, जो भी आम जनता की जो मूलभूत समस्या है मैं स्टेप बाय स्टेप हर वो मुद्दे को उठाऊंगा अपने शहर के हित के लिए, और पूरे मुद्दे को अंजाम देने का काम करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल भिवंजी मिरर, प्रेस बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन, फॉलो ऑन फेसबुक, ज्वाइन विद अस ऑन व्हाट्सएप 7888161661।